तो गाइस वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज हम सॉल्व करेंगे हमारा न्यू प्रॉब्लम जो कि टीसीएस आईपीए का ही है, जो 15 मार्क्स में आया था। तो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट है, हमें एक जावा प्रोग्राम राइट करना है फॉर बोथ वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स इन अ गिवन स्ट्रिंग। तो कंडीशन देख लेते हैं, ओनली अल्फाबेट शुड बी कंसिडर्ड फॉर काउंटिंग। ओके, तो इनपुट है हमारा हेलो वर्ल्ड। तो आउटपुट में हमें देना है वॉवल्स काउंट इक्वल टू 3 एंड कॉन्स्टेंट काउंट इक्वल टू 7। एक्सप्लेनेशन देते हैं, इसमें देखिए द वॉवल्स आर इन द गिवन स्ट्रिंग्स। तो जो स्ट्रिंग है ना उसमें वॉवल्स हमारी बस ई है, ओ है और ओ हमारी फिर से है, तो हमारे पास तीन वॉवल हो जाते हैं। लाइकवाइज बाकी सब जो हमारे हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं स्ट्रिंग में, लाइक एच है, एल एल डब्ल्यू आर एल एन डी, तो ये हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं और इनका काउंट है हमारा 7। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास इंटेलिजे में मैं कोड कर रहा हूँ और मैंने मेन फंक्शन बना लिया है, क्लास का नाम सॉल्यूशन है और मैंने स्कैनर ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट कर लिया है। तो यहाँ पर हमें स्ट्रिंग लेनी है, तो मैं स्ट्रिंग str लूंगा इक्वल टू सी डॉट नेक्स्ट लाइन और यहीं से मैं इसे क्लोज भी कर लूंगा sc डॉट क्लोज। मुझे अब मैं क्या करूंगा, एक फॉर लूप लगाऊंगा जो कि रहेगा फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन में str डॉट लेंथ तक इटरेट करूंगा। ये जरूर देखिएगा आप कि जब हम एरे को इटरेट करते हैं तब हम लेंथ यूज करते हैं पर वहां पेरेंथेसिस नहीं होते हैं। ये क्या करता है, ये एक फंक्शन है लेंथ नाम का, तो हम इसका यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर दूंगा कि इफ अगर मेरा str डॉट कैर एट आई जो है वो अगर इक्वल इक्वल होगा किसके, ए के या फिर और का यूज करेंगे हम यहाँ पर, और इसी कोड को मैं कॉपी करूंगा क्योंकि मुझे कॉन्स्टेंट्स का और उसका काउंट चाहिए। तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी, और अब मैंने इसे 5 बार कॉपी कर लिया क्योंकि आप सबको पता है कि हमारे पास वॉवल्स 5 होते हैं जो कि है ए ई आई ओ और यू। ठीक है, तो यहां से आगे कोड करते हैं। अब इसके बाद अब हम फॉर लूप लगा रहे हैं और हम चेक कर रहे हैं कि अगर हमारा str डॉट कैर एट आई जो है अगर वो ए के इक्वल है या हमारा E के इक्वल है या I के इक्वल है या O के इक्वल है या U के इक्वल है। तो हमें क्या करना है, एक वॉवल हम वेरिएबल बना लेंगे और उसको प्लस प्लस करना है। तो वो यहाँ तो नहीं है, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ int वॉवल इक्वल टू 0 और int कॉन्स्टेंट इक्वल टू 0। ओके, तो मैं क्या करूँगा, प्लस प्लस करूँगा। अगर ऐसा नहीं है तो मैं इसे else में डाल दूंगा कि अगर else ऐसा नहीं है तो हमें क्या constants को plus plus करना है। ओके, तो कोड हमारा हो चुका है। देखिए इसमें 2-3 edge cases हैं जो कि हम add कर सकते हैं पर मैं अभी add कर नहीं रहा हूँ और इतना ही छोड़ता हूँ। तो हमारा input देख लेते हैं हम, तो हमारा input है hello world, तो इसे copy करता हूँ मैं और run करके देखते हैं। ये रहा, एक मिनट वेट अ मिनट, मैं रन करने की जगह सॉरी रन करना भी है पर प्रिंट भी कराना है, तो इनमें प्रिंट कराता हूँ मैं कि वॉवल काउंट्स आर प्लस वॉवल और एक और करूँगा मैं कॉन्स्टेंट काउंट्स आर काउंट्स आर और प्लस कॉन्स्टेंट करता हूँ यहाँ से निकल के प्लस कॉन्स्टेंट और चलिए रन करते हैं। तो रन कर दिया है, हमारा रन हो चुका है बिना किसी एरर के। हेलो वर्ल्ड डालता हूँ और ये आ चुका है मेरा इनपुट। कॉन्स्टेंट्स आर 8 है इसमें एंड वॉवल्स आर 3 है। तो इसमें क्या हुआ है कि जो स्पेस हमने दिया है वहां पर हेलो वर्ल्ड में तो उसने उसको भी काउंट कर लिया। मैं आपसे इसी एच केस की बात कर रहा था मैं,
अब अगर आपको इस एच केस को रिमूव करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको एक और कंडीशन निकालनी होगी कि इफ अगर इफ इस एल्स के अलावा आपको यहाँ पर एक और कंडीशन लिखनी चाहिए कि इफ एस टी आर डॉट कैर एट आई, सॉरी इफ एस टी आर डॉट कैर एट आई की जगह आपको यहाँ पर लिखना चाहिए इफ कैरेक्टर डॉट इस कैर। इज लेटर, और फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं एस टी आर डॉट कैर एट आई, और नॉर्मली आप यहाँ पर दो पैरेंथेसिस लगा सकते हैं और यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर कुछ एरर दिखा रहा है तो देखते हैं, ये आई का है, ये इसका है, ठीक है, एक और आएगा यहाँ पर तो ये ठीक है। अब चलिए प्रिंट करके देखते हैं। क्या एरर आ रहा है? तो वोवल्स काउंट आर 16 एंड कॉन्सोनेंट काउंट्स आर दिस। वेट अ मिनट, शायद कुछ प्रॉब्लम हुई है। इसे फिर से रन करते हैं। या तो ये ठीक हो गया है। ओ शिट, ओके, तो आई एम सॉरी, तो ये क्या है, हम इनपुट इसमें गलत दे रहे थे, तो हमें हेलो वर्ल्ड इनपुट करना था और ये जो कि पुराना कोड था उसे उसको इनपुट में ले रहा था। तो चलो फिर से रन करते हैं। तो हेलो वर्ल्ड मैंने रन किया, तो आप देख सकते हैं वॉवल्स आर 3 आ रहा है और कॉन्स्टेंट्स आर 7 आ रहा है, ठीक है। अब इसमें एक एच केस कुछ नहीं है, अब ये कोड बिल्कुल सही है, पर मैं आपको एक और चीज दिखाऊंगा। अगर मैं सेम हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ, जिसमें आप सबको पता है कि वॉवल्स हमारे 3 हैं और बाकी सब कॉन्सोनेंट्स हैं, तो हेलो वर्ल्ड, और मैं कुछ नंबर्स लिखता हूँ, तो आप देखेंगे मेरा आउटपुट सेम रहेगा, ठीक है। तो ये एक एच केस था इसका, इसलिए मैंने इसे पहले कोड नहीं किया, इसे बाद में कोड किया। तो कोड जो है आपको है वो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक और गिटहब लिंक में दे दूंगा, और टेलीग्राम लिंक भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आप अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं जो भी है आपको, आपको कोई सा पाइथन का क्वेश्चन चाहिए तो उसका सॉल्यूशन भी हम प्रोवाइड कर देंगे। तो थैंक यू, बाय।